बाकी यहाँ की सुबह देखो कितनी प्यारी है। इन्होंने पूरा बैक साइड पे फार्मिंग किया हुआ है, वही हमने कल रात को लोकल सब्जी खाई यहाँ की। ये स्टे है और ये हमारा प्यारा सा एंट्रेंस और ये होटल। तो ऐसा प्रॉपर एरिया बनाया इन्होंने यहाँ पे, तो इट्स गुड और बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे, तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू कम। हमारा स्टे रूम यहाँ पे, बहुत ही क्लीन वॉशरूम, यहाँ पे डबल बेड, सामान रखने के लिए जगह, और हर रोज़ सवेरे उठने के बाद ये इनका बैक साइड का गार्डन व्यू। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। दिस इज अनुज बुंदे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइक राइड डायरीज। लेट्स क्रिएट सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो बैक लोडिंग हो रही है, फाइनली वी आर गोइंग टू खारदुंगला और वहाँ से जाएंगे नुब्रा वैली। दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टॉप टुडे, सो गियर अप करते हैं, बैक लोड करते और आगे बढ़ते। सो फाइनली द डे हैज़ कम, आज हम जा रहे हैं खारदुंगला पास, द सेकेंड मोस्ट हाइस्ट मोटरेबल रोड। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो ये रूट अभी स्टार्ट हो गया, ये ले के पीछे के साइड से निकलता है, तो वी आर क्लाइंबिंग द हिल। तो टोटल ये छः घंटे की राइड है, 6 आवर्स। तो मेरी बाइक को देखते हुए, स्पीड को देखते हुए और ऑफ रोडिंग होते हुए तो 2-3 घंटा बढ़ जाएगा, इसलिए हम सवेरे 7 बजे निकले। लेकिन दिस वॉज माई ड्रीम टू बिंग माई फर्स्ट बाइक, सो इट्स गुड। जब तक गाड़ी चल रही है अच्छी, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, सो आई एम हैप्पी विथ हर, क्योंकि वो अपने को सपोर्ट कर दिए, अपन उसको सपोर्ट करने का। तो लेट्स सी आज क्या क्या होता है एडवेंचर हमारे साथ, सो बी कनेक्टेड विथ अस। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है यहाँ तक, सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ज़रूर कमेंट बताना कि अभी तक आपको मेरे सीरीज़ कैसी लगी लद्दाख की। हमने टोटली रॉ रखने की कोशिश की है, क्योंकि हमने उस लेवल का एडवेंचर किया है, इसलिए मुझे कोई चीज़ को मिस नहीं करना था। इसलिए मेरे वीडियोस में रोड ज़्यादा दिखेंगे, ये सब दिखेगा, क्योंकि ये हमारी मेमोरीज है, ये आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। मतलब हम जिस तरह यहाँ तक पहुँचे, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। फ्यूचर में ड्रोन शॉट्स ना ये शॉट्स ना सिनेमिक शॉट लेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट राइड है, तो आई वॉन्टेड टू कीप दिस एज अ रॉ, कि जो हमने एक्सपीरियंस किया वही आपको शेयर करें और हम भी उसका मजा लें। फ्यूचर में कभी बैठेंगे, दोस्तों को बताएंगे कि हम ऐसे निकले थे। तो ऐसे है लेक के रास्ते, अच्छी सुबह है, ब्यूटीफुल सन, सूरज उगता बाहर है, तो कोई टेंशन नहीं है। खारदुंगला 34 किलोमीटर्स, क्या बात है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इट्स नॉट ईजी, इट्स गोना बी टफ। और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नुब्रा वैली के लिए, क्योंकि पीछे आके मतलब नहीं है, सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग नुब्रा वैली। वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं देखने जैसी और बहुत ही खूबसूरत वैली है वो, तो हमने तो सब गूगल पे ही देखा है। फिजिकली जाएंगे तो ज़रूर उसका रिकॉर्डिंग करेंगे और मेमोरीज क्रिएट करेंगे। तो आज का व्यू ऐसा है हमारा, सो लेट्स एंजॉय द रोड। ओहो व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, ये चीज़ें जो हमें जोश लाती है, क्या बात है, इस चीज़ में किक मिलता है हमें। लेकिन हमेशा ड्राइव सेव करना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हम सीख गए। बार कोई मतलब नहीं है फास्ट पेस में जाके, जो चीज़ें मिलनी है। हाँ, शांति स्तूपा भी दिख रहा है हमें, हम कल यहाँ पे गए थे, ऊपर जाने नहीं मिला, सो आने के बाद हमारा एक दिन का स्टे है, तो विल गो एंड विल चेक। ओके यहाँ पे कैसा लैंडस्केप है ना, ऊपर पूरा माउंटेन होते हैं और सेंटर पे इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि उन्होंने मेंटेन रखा है। अभी छोटा सा गांव है लेक के बाहर, पूरा फार्मिंग दिख रहा है यहाँ से, और इतनी अच्छी ग्रीनरी मतलब रखी है ना, बॉर्डरिंग बोलो या मस्त, मतलब देख के इतना अच्छा लगता है। और आसपास
एकदम डेजर्टी टाइप फीलिंग है, मस्त है एकदम। ओके, पेंगोंग में ऐसे बोल रहे लोकल की रोड बढ़ा रहे, इसके वजह से रोड ख़राब है वहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट देखने गए तो लद्दाख में सारे रोड अच्छे ही हो गए। तो अभी आने वाले क्राउड के लिए, बाइकर्स के लिए, इट इज़ अ गुड साइन। तो यहाँ के माउंटेंस के कलर हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो अच्छा लगता है देख के कि नेचर के भी खुद के कितने रंग हैं। बाकी रोड तो अभी तक अच्छे हैं। गाइस यहाँ पे आओगे ना तो बटन वाले टायर लगवा के आना, सिटी टायर्स इतने अच्छे वर्क नहीं करते, ये मेरा एक्सपीरियंस है। टायर मेरे बहुत अच्छे हैं, मिचेलिन के टायर से, लेकिन मेरे सिटी और ट्रैक बेस्ड टायर है, मेरे बटन टायर नहीं है। उसमें से लिखा हुआ था कि स्लश ये सब पे है, लेकिन हाँ थोड़ा मुझे यहाँ पे दिक्कत हुई, तो मैं उस पर केयरफुल हूँ और मुझे पता है कि मेरा स्वीट स्पॉट क्या है गाड़ी चलाने का। लेकिन तो फिर भी फॉर सेफ्टी रीजंस आप लोग प्रॉपर ऑफ रोडिंग टायर्स ये करके आना है। तो ऐसे ट्रक या व्हीकल सामने आए थे, रोड छोटा होने की वजह से यू नीड टू बी केयरफुल। तो धनराज को सरप्राइज था ये क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट पे रहता है उसको ये डायरेक्ट मुंह पे आता है, तो डर लग ही जाता है थोड़ा सा। लेकिन हम लोग कॉर्नर से ही चला रहे, ज़्यादा भी कॉर्नर जाके मतलब नहीं है, यू कैन सी लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, तो प्रिफरेबल है कि हॉर्न दो या थोड़ा गाड़ी स्लो कर दो, कम से कम आने वाले को मालूम तो पड़ेगा कोई आ रहा है भाई। सो फार मजा आ रही गाड़ी चलाने, देखो वहाँ से गाड़ियाँ जा रही है सारी, तो हमें से ऊपर चढ़ना है पूरा। तो इट इज़ अ फन राइड टुडे, ये सारे माउंटेन्स क्रॉस करते हुए हमारे ऊपर। सो वी आर गोइंग अप 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 अप, ऐसे ग्रेवल से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ओहो लेफ्ट में देख दन्नो, जबरदस्त हाँ व्यू पॉइंट ही है काइंड ऑफ, जबरदस्त। अपन आते टाइम रुकेंगे। अच्छा फ्रेम बनाई है लद्दाख की, ठंडी हवा क्या आई, अरे भाई साहब मैंने नॉर्मल ग्लव्स पहने हुए, से ठंडी हवा गई हाथ के अंदर डायरेक्ट। हाँ सूर्य देवता बाहर है, बच गए थोड़ी तो धूप है, अच्छी धूप है नो डाउट। जैसे हम चढ़ रहे ऊपर, बस अभी चढ़ना ही है ऊपर। हाँ 19 किलोमीटर घाट पे तो ऐसा लगता है कि 50 किलोमीटर चलाने वाले हैं। हाँ बहुत टाइम लगता है। तो ये छोटा सा गांव है और यहाँ पे चेक पोस्ट भी है। तो चेक पोस्ट पे रुकना है, चेकिंग होगी। गुड मॉर्निंग। हाँ। चलेगा, कहाँ जाना है? अच्छा सामने। ओके तो यहाँ पे एंट्री करनी है व्हीकल्स की, तो एंट्री करा देते हैं। तो इट इज़ अ चैलेंज ऐसे ऊपर चढ़ के जाना, यहाँ पे मालूम पड़ता है कि हम हाई एल्टीट्यूड पे सांस फूल गए हमारी। ऊपर जाके बाइक का एंट्री और अपना नाम देना पड़ता है। तो बढ़ते आगे चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए, ज़बरदस्त है। ऐसा यहाँ पे वाटर सप्लाई होता है, टैंकर आता है सबको पानी देते हुए आगे जाता है। 15,300 ऑल्टीट्यूड पे हम खारदुंगला है, 14 किलोमीटर्स दूर। ग्लव्स चेंज कर देता हूँ, बहुत ही ठंडी हवा लग रही है मुझे, और मुझे लगता है ऊपर देखते हुए कि हमें अच्छा खासा स्नो मिलने वाला है। हाँ
तो इतने अच्छे ग्लोव्स लिए, उसका यूज़ हमने बहुत कम किया है, लेकिन परफेक्ट जगह पे यूज़ हो रहा है उसका, तो पैसा वसूल हो रहा है। और हमें स्नो दिखना चालू हो गया है बहुत ही पास से, अभी हम हैं 16,000 फीट पे और ये अच्छा खासा स्नो, अभी रास्ते के बाजू से भी स्नो गया लेकिन तभी रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। और ठंड तो इस तरह बढ़ गई है ज़बरदस्त, यहाँ पे एक टेम्परेचर बहुत अच्छे से ड्रॉप हो गया। हमें ये रोड से सीधा जाना है आगे, तो शायद आगे हमें प्रॉपर स्नो लगेगा। देखो हम नीचे से जो माउंटेन देख रहे थे, अभी हम उसके ऊपर आ गए, तो आप समझ जाओ यहाँ पे क्या ठंड होगी। तो ये खुद में एक एडवेंचर है। ये देखो लेफ्ट में रोड दिख रहा है, हम कैसे ऊपर आए, क्या बात है। लेकिन इतना तो पता है कि हमारी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल्स नहीं है। तो ट्राई करो कि 5 मिनट से ज़्यादा ना रुके, क्योंकि अभी हम खाली एंट्री करने के तो हमारे सांस फूल गए थे। देखो स्नो देखो क्या आते, मतलब मज़ा आ गया देख के। उसके से रोड थोड़े यहाँ पे ख़राब होते हैं, क्योंकि जब स्नो मेल्ट होता है तो पानी के बहाव से रास्ते थोड़े से ये हो जाते हैं, लेकिन वर्थ इट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इतने हाई पास पे भी फूड वगैरह ऑप्शन है, और वी हैव रीच खारदुंगला पास। ओह माय गॉड 17,982 फीट, फाइनली अचीवमेंट हो गई हमारी। बॉम्बे से यहाँ तक इट वॉज हेल ऑफ अ जर्नी। हेलो माई यूट्यूब फैमिली, सो वी हैव रीच खारदुंगला पास 17,982 फीट अबाउट सी लेवल, और ये खुद में एक अचीवमेंट है। और हम जिस तरह मुंबई से आए और फाइनली यहाँ पहुँचे, वेरी हैप्पी मोमेंट। इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, बहुत सारे बाइकर्स पहुँच गए, और हमारा देश का झंडा, सल्यूट टू इट। बहुत ही अच्छी ठंड है, बहुत ही अच्छी ठंड है, ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पे। उमलिंगला यू आर डूइंग, वी विल डू नेक्स्ट टाइम, वी नीड अ रीजन टू कम ओवर हियर, सो नेक्स्ट टाइम वी विल कम। इज वन गुड रीजन, या देयर इज अ गुड रीजन, नॉट द कंट्री, नो द पीपल, यस दैट्स ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू, या दिस मैसेज विल बी कन्वे। आई एम रिकॉर्डिंग यू फॉर 4 years, आई वर्क इन मिडल ईस्ट विद इंडियंस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, या अच्छा काम से चलो। चलो लोग ऑस्ट्रेलिया से भी आए, और सारे 60s के ऊपर है, सो वी आर लिविंग नाउ, इट इज़ अ गुड टाइम, बहुत मज़ा आया। ओके, तो अभी हम बढ़ते आगे, तो उमलांगला पास जो है वो फर्स्ट मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये हम रखेंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमें रीज़न चाहिए यहाँ पे आने के लिए, सो वी विल कम अगेन। सो दिस इज़ द व्यू, और हम अभी आज हमारा स्टे होगा नुब्रा वैली। अच्छा हम जल्दी आ गए, तो क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, सो दिस इज़ हाउ इट इज़।
तो यहाँ से तुरतु केले भी है, अंडा केले भी है और सारे लगे हुए बोर्ड। सो डाउन हिल रोड आप देख पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया रोड है। तो पता नहीं जो हमें कल मिले थे सर थे, वो 8 बार आ चुके हैं और वो 2008 से राइड कर रहे हैं लद्दाख, तो उनका एक्सपीरियंस तो हैंड्स ऑफ होगा क्योंकि तभी तो रोड भी नहीं थे। और वो बता रहे थे कि मोर देन 50 वाटर क्रॉसिंग उन्होंने की है, तो हमें तो 2 ही लगी। तो वी आर वन ऑफ द लकी जनरेशन कि हमें अच्छे रोड मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके इस मोमेंट को कैप्चर करने का अलग ही मज़ा है। तो बढ़ते आगे, बहुत ही अच्छा लगा ये अचीवमेंट करके, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। सारे अभी तक के एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारा खारदुंगला पास तक पहुँचने का। इट वॉज अ फन। और ये स्नो कहाँ ही देखने मिलता है स्नो अपने को, तो मुंबईकर्स के लिए स्नो तो एक बहुत ही अट्रैक्शन वाली जगह है और बहुत ही मस्त जगह है। ओके, तो अभी हम डाउन हिल हो गए। पता नहीं वहाँ पे खुशी की वजह से ठंडी भी चली गई थी अंग में से नहीं तो जब पहुँचे थे अभी तो बहुत ठंड लग रही थी, तो अभी ठंड बहुत ही कम हो गई है। और सूरज देवता भी एकदम टॉप पे है और आज अच्छे ब्राइट मोड में है, सो मज़ा आ गई। और हम पहले पहुँचे इसलिए हमें फ़ोटोज़ अच्छे लेने मिले, नहीं तो अभी तो बहुत गर्दी हो गई है तो मेल्ट होता है, तो ऐसे ही होता है ऑफ रोडिंग, क्योंकि जब स्नो मेल्ट होगा तभी रास्ता ख़राब होगा, तो लोग कितना बार रिपेयर करेंगे उसे ऐसे वो। जो भी था मज़ा आ गया, हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं तो बोलूँगा सबको आइए यहाँ पे, देखिए हमारे देश की खूबसूरती। लोग बाहर से आते हैं, मतलब मुझे इतने फॉरेनर दिखे, जर्मन फ्रेंच, कल रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, क्योंकि लोग खाली ये देखने आते हैं। और अब ऑब्जर्व किए होंगे कि पता नहीं, लेकिन नेशनल हाईवे यहीं से चालू होता है 1 2 3, तो ये हमारे देश का स्टार्ट है। तो बाइक से आइए, कार से आइए, लेकिन डू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ऐसे ऐसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ एन इनक्रेडिबल इंडिया, इट इज़ ट्रू, इंडिया इज़ इनक्रेडिबल। बाहर के लोग समझ गए हमारे देश की वैल्यू क्या है, तो हमें भी उसे समझना है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है और हमें हमारा देश का नाम रोशन करना है उनके साथ अच्छे बिहेव करके। सो दिस इज़ वॉट वी डिड, हमने बिल्कुल कुछ गंदगी नहीं फैलाई, पानी की बॉटल नहीं कैरी की, जो था पानी हमारे साथ में ही था, हमारे बैग में ही था, तो कोई चीज़ फेंकी नहीं। सो वी केप्ट लद्दाख क्लीन फ्रॉम आवर साइड, सो इट्स ऑल आवर इंडियन ड्यूटी टू कीप आवर टूरिज्म प्लेस नीट एंड क्लीन, क्योंकि बाहर के लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं इंडिया से, इतना तो मुझे समझ गया। और लोग 2 से 3 बार आ रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा हमारे देश में जो देखने आ रहे हैं। मज़ा आ गया उन लोगों को मिलके, मतलब वो लोग 60s में इतने एनर्जेटिक है, वाह। तो ऊपर चढ़ते टाइम तो रास्ते अच्छे थे, डाउन हिल में थोड़े से रास्ते ख़राब है ऑफ रोडिंग का, लेकिन लद्दाख नहीं और ऑफ रोडिंग नहीं किया तो फिर क्या किया, ऐसा हो गया वो। तो फिर भी अपने को बहुत कम ऑफ रोडिंग लगता है क्योंकि सारे रोड्स बन चुके हैं और ये छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग, क्योंकि धूप की वजह से स्नो मेल्ट होता है तो उसमें भी चलाने का अलग मज़ा है। तो गाइस कैसे लगा ज़रूर बताना, हम तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे है फिलहाल, लेकिन आप लोग को कैसे लगा ये देख के ज़रूर बताना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बहुत सारा प्यार दिखाइए दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हमें भी बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाने के लिए, ये हमारे मेमोरीज भी है हमारे लिए भी, जब हम बूढ़े हो गए हम देख पाएंगे, और ये आपके लिए भी है जो कोई रीज़न से आ नहीं पाते या प्लानिंग कर रहे तो उनके लिए भी है ये। यहाँ पे आने के बाद जो एनर्जी फील हुई ना वो कहीं पे फील नहीं हुई, मतलब इतने अच्छे अच्छे स्तूपा देख लिए, मोनेस्ट्री देख लिए, लेकिन यहाँ पे जब पाँव रखा तो जो बाइकर का जो बोलते हैं ना अंदर से आता है कि यस हाँ बाइकर का स्पिरिट जाग होता, ऐसे ही लद्दाख को थोड़ी ना बोलते हैं बाइकर्स पैराडाइज, क्योंकि ये सबकी ड्रीम होती है, ये हमारी भी ड्रीम थी और हम इसे 2 साल से कोशिश कर रहे थे और फाइनली
2023 इज़ द ईयर हमने ये अचीव किया, और इट्स ऑल थैंक्स टू धनराज, क्योंकि उसने मेरे साथ ज्वाइन किया और हम लोगों ने शेयर की हमारी चीज़ें और कर लिया। मेरे को इच्छा थी कि मेरे सारे दोस्त आए, लेकिन कोई नहीं, सबका अपना अपना लाइफ होता है, सारे बिजी थे। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, आगे हम और आगे भी जाएंगे जब तक जाने के अंग में ताकत है। वापस आएंगे, वापस आएंगे हम। धनराज ने उनको बोला है कि आप 65 में आए ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे, सो हम इंडिया से तो आ ही सकते 66 पे, सो वी विल डू दैट एंड इट विल बी रिमेम्बर्ड, बिकॉज हम उसका व्लॉग बना रहे, तो इट विल बी रिमेम्बर्ड, और मैं तभी उस एज में शेयर करूँगा इस बात को। हम लोग ने कैसा है ना कि हमने लद्दाख जो किया ना, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में किया। हमारा कोई भी स्टे 1000 के ऊपर नहीं गया, खाली जो हमारा स्टे था यहाँ पे सुंदर वैली सुंदर नगर में, वो खाली स्टे 1500 था, क्योंकि हमारा ऑप्शन नहीं था, आगे रोड ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद मैंने जो भी स्टे किया वो 1000 से 1200 में था, और पर डे का फूड जो हमारा था वो था खाली 600 रुपीज़, क्योंकि हम लोग उसमें ना ज़्यादा खा नहीं रहे थे, क्योंकि कैसा है नई जगह है, पेट भर के खा ले तो पेट ख़राब हो जाएगा। तो हम अच्छा खा रहे थे, हेल्दी खा रहे थे और लाइट वेट में थे, जिसकी वजह से हम हमेशा एनर्जेटिक थे। ऐसा नहीं कि कल सुबह उठ के सुस्ती आ गई या पेट ख़राब हो गया। तो उनका नॉर्मली वहाँ पे स्टे जो है 2000 तक होता है सीज़न के हिसाब से। बाकी द मैन इज़ गुड, तो आप वहाँ पे मिलो, उनसे बात करो, और आपके कंडीशन के हिसाब से वो आपको एडजस्ट करा ही देंगे, इतने वेलकमिंग नेचर के हैं वो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ले में जितने भी लोग हैं दे आर वेरी वेलकमिंग एंड ओपन हार्ट्स, तो ले आना ज़रूर और वहाँ पे स्टे लेना। मतलब इतने डाउन टू अर्थ पीपल मैंने अभी तक तो लद्दाख में ही देखे। और यहाँ पे एक स्लोगन है जो मुंबई में या फिर अदर स्टेट में देखने नहीं मिलेगी, वो है कि कल की बात ऐसी थी कि धनराज ने बाइक की चाबी रख दी थी और हमारे बैग्स वगैरह थे, तो उसको याद आया तो वो भाग के गया। तो वहाँ के लोग, ये दो तीन बार हुआ हमारे साथ लद्दाख में, तो वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं ये लद्दाख है, यहाँ पे आप एक हफ्ते के लिए चीज़ें छोड़ के जाओ कोई हाथ नहीं लगाएगा, इतना कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट के साथ यहाँ से लोकल्स बात करते हैं। तो ये एक सीखने वाली बात है हम इंडियंस के लिए कि कितना सेफ है लद्दाख, और यहाँ की मिलिट्री, यहाँ की पुलिस कितना कोऑपरेटिव है, कि उन्होंने उस लेवल का सिक्योरिटी मेंटेन रखा है कि टूरिस्ट बिंदास घूम सकते हैं। मतलब हमें कल एक अंकल मिले, वो बोले कि हम 5-5 दिन तक बैग पे सामान नहीं उठाने के, और बैग गाड़ी जो थी उनके गेट के पास पार्क थी, लेकिन किसी ने भी कोई चीज़ को छुआ नहीं। दिस इज़ रियली गुड एंड अ पॉजिटिव वे लद्दाख पीपल थिंक्स, तो हैंड्स ऑफ उनके लिए। और ये है हमारा व्यू, और अभी हम डाउनहिल कर रहे हैं, तो बाइक को भी लोड नहीं आ रहा, हमें भी लोड नहीं आ रहा है, और बहुत ही बाइक स्मूथली चल रही है दोनों भी, इजी पीजी, और मन में अलग ही खुशी है। तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, खारदुंगला किया हमने फाइनली, तो आज की नाइट बहुत ही सुकून भरी होगी।